हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मंजुलता जोशी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बॉटनी इन MBPG कॉलेज हल्द्वानी। स्टूडेंट्स, आज हम BSc फर्स्ट ईयर का एल्गी पेपर में एक टॉपिक इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड सेलियंट फीचर्स ऑफ एल्गी। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। सबसे पहले बच्चों, हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू एल्गी में। इट मींस कि एल्गी किसे कहा जाता है, इसका इंट्रोडक्शन हम इस टॉपिक के अंदर देख रहे हैं। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय लीनियस इन 1753। ये जो टर्म एल्गी था, ये लीनियस ने सबसे पहले 1753 में इंट्रोड्यूस किया था। द एल्गी कंप्राइज ऑफ अ लार्ज हेट्रोजीनस असेंबलीज ऑफ प्लांट्स विच आर डाइवर्स इन हैबिटेट, साइज, ऑर्गेनाइजेशन, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड रिप्रोडक्शन। तो जो एल्गी है वो क्या है, एक बहुत हेट्रोजीनस असेंबलीज ऑफ प्लांट्स है, जिनमें की डाइवर्सिटी पाई जाती है हैबिटेट्स में, साइज में, ऑर्गेनाइजेशन में, फिजियोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में और रिप्रोडक्शन में। तो एल्गी से आप सभी लोग फेमिलियर हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में आपने कई बार एल्गीज को देखा है, ठीक है। तो एल्गी जो है प्रिमिटिव प्लांट्स की कैटेगरी में आता है। जो प्लांट के ग्रुप्स डिवाइड किए गए थे स्टार्टिंग में, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। डेवलपमेंट के सीक्वेंस में इस तरह से ग्रुप्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले थैलोफाइटा आता है, इट मींस कि प्रिमिटिव प्लांट्स के अंदर आते हैं। थैलोफाइटा को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एल्गी एंड फंजाई। तो एल्गी और फंजाई जो है, थैलोफाइटिक बॉडी इनकी होती है। थैलोफाइट बॉडी मतलब मींस ये है कि इनकी बॉडी में डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, रूट, स्टेम, लीव्स, इस तरह से इनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता। एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है इनकी बॉडी के अंदर। उसके बाद फिर डेवलपमेंट में ब्रायोफाइट डेवलप हुए, देन टेरिडोफाइट डेवलप हुए, देन जिम्नोस्पर्म डेवलप हुए एंड देन एंजियोस्पर्म डेवलप हुए। तो इस तरह से ये प्रिमिटिव प्लांट होते हैं एल्गी। तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ थैलोफाइट, द प्रिमिटिव एंड सिंपलेस्ट डिविजन ऑफ द प्लांट किंगडम। द ऑर्डरली सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एल्गी की स्टडी को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। द एल्गी आर क्लोरोफिल कंटेनिंग प्रिमिटिव प्लांट्स, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, विद वाइड रेंज ऑफ थैलिफाई स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोफिटिक, ऑटोफिटिक मीन्स विच कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, एंड थैलॉइड प्लांट बॉडीज आर ऑल्सो फाउंड इन ब्रायोफाइट्स। तो एल्गी क्या है, क्लोरोफिल कंटेनिंग प्रिमिटिव प्लांट है। क्लोरोफिल कंटेन करने के कारण ये क्या करेंगे, ऑटोट्रॉफिक नेचर और नेचर को शो करेंगे। ऑटोट्रॉफिक मीन्स विच कैन मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। तो इनकी वाइड रेंज ऑफ थैलस भी पाई जाती है, और जो थैलॉइड बॉडी की बात कही जा रही है, वो थैलॉइड स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट्स में भी पाया जाता है। ब्रायोफाइट जो प्लांट है उनके अंदर भी थैलोफाइट स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अकरेंस ऑफ एल्गी, इट मीन्स कि एल्गी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। एल्गी जो है यूबिक्यूटस, इसकी प्रेजेंस होती है। इट मीन्स कि प्रेजेंट एवरीवेयर, यूबिक्यूटस मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर। एवरीवेयर मीन्स फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन वाटर, ऑन सॉइल, ऑन रॉक, एज एपिफाइट्स और पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इन हॉट स्प्रिंग्स, इन डेजर्ट, ऑन परमानेंट स्नो फील्ड्स इटीसी, बट दे मेनली ड्वेल इन एक्वेटिक एनवायरमेंट। तो एल्गीज की अकरेंस जो है वो एवरीवेयर होती है, और मेनली लेकिन ये क्या है, वाटर में प्रेजेंट रहते हैं। तो इसके हैबिटेट के बेस पे एल्गी को थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एक्वेटिक एल्गी, सेकेंड टेरेस्ट्रियल एल्गी, एंड थर्ड वन इज एल्गी ऑफ रिमार्केबल हैबिटेट। तो इनको एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्वेटिक एल्गी। एक्वेटिक एल्गी में भी फ्रेश वाटर व्हेन सैलिनिटी इज लो एज 10 ppm, और मराइन व्हेन सैलिनिटी इज 33-40%। तो एक्वेटिक एल्गी का मीन्स क्या हुआ कि एल्गी जो कि फ्रेश वाटर में प्रेजेंट रहती है, और फ्रेश वाटर क्या है, जिसमें सैलिनिटी जो होती है वो 10 parts per million होती है, और लो देन 10 parts per million। और मराइन वाटर किसे कहा जाता है, जिसके अंदर सैलिनिटी जो है वो 33-40% के बीच होती है।
और कुछ एल्गीज जो हैं वो ब्रैकिश वाटर में प्रेजेंट रहती हैं, विच इज़ अनप्लांटेबल फॉर ड्रिंकिंग. ठीक है, जो ब्रैकिश वाटर होता है वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाता है. और लेकिन ये क्या है, सी वाटर से लेस साल्टी होता है. फ्रेश वाटर एल्गी यूजुअली ग्रो इन पॉन्ड्स, लेक्स, टैंक्स, डिचेस इटीसी. तो यहाँ पर भी, इन सब जगहों पर भी पॉन्ड हैं, लेक्स हैं, टैंक्स हैं, डिचेस हैं, इनमें एक्वाटिक एल्गी प्रेजेंट रहती है. कुछ फ्रेश वाटर जो एल्गीज हैं, कॉमन फ्रेश वाटर एल्गीज हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं क्लेमाडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, कारा, ऊडोगोनियम, स्पायरोगायरा, नोस्टॉक, ऑसिलोटोरिया. ये सब जो एल्गीज हैं ये आपकी फ्रेश वाटर एल्गी के अंदर कैटेगराइज हैं. और कुछ कॉमन जो मराइन एल्गी हैं वो हैं आपकी सार्गसम, लैमिनेरिया, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, सिलरपा, बेंजिया और पैडिना. ये आपकी मराइन एल्गी के अंदर कैटेगराइज है. एक्वेटिक के अंदर आपका फ्रेश वाटर एल्गी और मराइन एल्गी दोनों आता है. ठीक है, फ्रेश वाटर एल्गी मीन्स जो पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स इन पे प्रेजेंट रहती हैं, एंड मराइन एल्गी जो सी वाटर या साल्टी वाटर पे प्रेजेंट रहती हैं. फ्रेश वाटर एल्गी में भी टर्म्ड एज प्लैंकटोनिन व्हेन दे ग्रो एंड रिमेन सस्पेंडेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द वाटर. ठीक है, फ्रेश वाटर एल्गी को भी फर्दर कैटेगराइज किया गया है. जो सरफेस पे ग्रो करेंगी, अपर पार्ट ऑफ वाटर पे ग्रो करेंगी, दैट एल्गीज आर कॉल्ड प्लैंकटोनिक. इसके एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स एंड डायटम है. ठीक है, और बॉटम ड्वेलर्स एल्गी को बैंथिक एल्गी कहा जाता है. ये बैंथिक एल्गी जो है एयर वाटर इंटरफेस पे जो एल्गीज ग्रो करती हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूस्टोनिक एल्गी. ठीक है, बैंथिक एल्गी जो बॉटम ड्वेलर्स होती हैं और जो एयर और वाटर इंटरफेस पे ग्रो करती हैं, दीज आर कॉल्ड न्यूस्टोनिक एल्गी. द बैंथिक एल्गी मे बी एपिलिथिक, दे ग्रो ऑन स्टोन्स, एपिपेलिक, अटेस्ट टू सैंड और मड, एपिफिटिक, ग्रोइंग ऑन प्लांट्स, एंड एपिजोइक, ग्रोइंग ऑन एनिमल बॉडी सरफेस. तो जो बैंथिक एल्गी हैं, इट मीन्स कि जो बॉटम ड्वेलर्स एल्गी हैं, उनको फर्दर कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट है एपिलिथिक एल्गी जो कि स्टोन्स पे ग्रो करती हैं, एपिपेलिक एल्गी जो कि सैंड और मड पे ग्रो करती हैं, एपिफिटिक एल्गी जो कि प्लांट्स पे ग्रो करती हैं, एंड एपिजोइक एल्गी जो कि एनिमल बॉडी सरफेस पे ग्रो करती हैं. तो इस तरह से जो फ्रेश वाटर एल्गी है वो भी तीन पार्ट में डिवाइड हो गई. फर्स्ट वन इज़ प्लैंकटोनिक एल्गी, सेकेंड वन इज़ बैंथिक एल्गी, एंड थर्ड वन इज़ न्यूस्टोनिक एल्गी. द मराइन एल्गी में भी सुप्रा लिट्रल और सब एरियल एज दे ग्रो अबव द वाटर लेवल एंड द स्प्रे जोन्स. तो मेराइन एल्गी भी फिर फर्दर कैटेगराइज हो गई सुप्रा लिटोरल एल्गी एंड स्प्रे जोनल एल्गी. द इंट्रोडियल एल्गी ग्रो इन सच अ डेप्थ सो दैट दे आर एक्सपोज पीरियोडिकली ड्यू टू टाइड्स. अदर मेराइन एल्गी आर सब लिटोरल, मीनिंग हेट दे आर कॉन्सिस्टेंटली सबमर्ज्ड एट डेप्थ एज ग्रेट एज 30 to 60 meters. अगेन द सुप्रा लिटोरल एल्गी मे बी एडाफिक. अब जैसे बैंथिक एल्गी कैटेगराइज किया गया था, उसी तरह से सुप्रा लिटोरल एल्गी को भी कैटेगराइज किया गया है. एडाफिक एल्गी जो कि सॉइल पे ग्रो करती है, एपिलिथिक एल्गी जो कि स्टोन्स पे ग्रो करती है, एपिफिटिक एल्गी जो कि प्लांट्स पे ग्रो करती है, एपिजोइक एल्गी जो कि एनिमल बॉडी सरफेस पे ग्रो करती है, एंड कॉर्टिकोलस जो कि ट्रीज की बार्क्स पे ग्रो करती है, और पैरासिटिक एल्गी जो कि प्लांट्स और एनिमल पे जस्ट एज अ पैरासाइट ग्रो करती है. सम एल्गी लिव एंडोजोइकली इन वेरियस प्रोटोजोवा, सिलेंट्रेट्स एंड मोलस्कस ईटीसी. तो कुछ एंडोजोइक एल्गी हैं जो कि वेरियस प्रोटोजोवा, सिलेंट्रेट्स और मोलस्क पे ग्रो करती हैं. तो ये आपकी हो गई फ्रेश वाटर एल्गी. सेकेंड वन इज टेरेस्ट्रियल एल्गी. टेरेस्ट्रियल एल्गी जो हैं सॉइल, रॉक्स, लॉग्स इन पर प्रेजेंट रहती हैं. ये एल्गी जो हैं सॉइल की सरफेस पे जो ग्रो करती हैं उनको क्या कहा जाता है, सेप्रोफाइट्स कहा जाता है. कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं और जो कि क्या करती हैं, सरफेस ऑफ सॉइल पे ग्रो करती हैं, इनको क्रिप्टोफाइट्स कहा जाता है. ये अलग अलग टर्म्स हैं उनकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग. एल्गी जहाँ पे ग्रो करती हैं उसके अकॉर्डिंग इनको नेमिंग किया गया है. द एल्गी ग्रोइंग इन द डिजर्ट सॉइल मे बी टाइपिफाइड एज इंडेडेफिक लिविंग इन सॉइल. सॉइल पे जो ग्रो करेगा दैट इज कॉल्ड इंडेडेफिक, डेजर्ट सॉइल पे.
और एपिडेफिक इट मींस कि लिविंग ऑन द सॉइल सरफेस, सॉइल की सरफेस पे जो ग्रो करेगी दैट इज कॉल्ड एपिडेफिक. हाइपोलिथिक इट मींस कि ग्रोइंग ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द स्टोन्स ऑन सॉइल, सॉइल पे जो स्टोन प्रेजेंट है उनकी लोअर सरफेस पे अगर एल्गी ग्रो कर रही है दैट इज कॉल्ड हाइपोलिथिक एल्गी. कैस्मोलिथिक एल्गी लिविंग ऑन द रॉक फिशर्स एंड एंडोलिथिक एल्गी विच आर रॉक पेनिट्रेटिंग, रॉक के अंदर जो ग्रो कर रही हैं दैट इज कॉल्ड एंडोलिथिक एल्गी. द कॉमन टेरेस्ट्रियल मेम्बर्स आर ऑसिलेटोरिया सेंक्टा, वाउचेरिया जैमिनिटा, क्लोरेला लाइकिना, युगलिना स्पीसीज, फिशचेला स्पीसीज एंड फॉर्मिडियम स्पीसीज. तो ये कुछ स्पीसीज हैं जो कि टेरेस्ट्रियल एल्गी के एग्जाम्पल हैं. थर्ड हैबिटेट आता है एल्गी ऑफ रिमार्केबल हैबिटेट. इट मीन्स किसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट पे ग्रो करने वाली एल्गीज के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो दे ग्रो इन अ हाईली कॉन्सेंट्रेट साल्ट लेक्स एंड इंक्लूड क्लेमेडोमोनास, एरहेने बर्गली, ड्यूनेलियेला एंड स्टेफेनोप्टेरा स्पीसीज. हेलोफिटिक एल्गी इनको कहा जाता है, ठीक है, या इरोलाइन एल्गी कहा जाता है. सेकेंड वन इज सिम्बायोटिक एल्गी. सिम्बायोटिक एल्गी इज वेरी इंपॉर्टेंट. दे ग्रो इन एसोसिएशन विद फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स. तो जो सिम्बायोटिक एल्गी हैं वो कंबाइनली ग्रो करती हैं फंजाई के साथ, ब्रायोफाइट्स के साथ, जिम्नोस्पर्म के साथ या एंजियोस्पर्म के साथ. और ये क्या होती हैं, प्लांट के लिए बेनिफिशियल होती हैं, इसीलिए इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एल्गी कहा गया है. सिम्बायोटिक एल्गीज के जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं फंजाई के एसोसिएशन विद फंजाई आर नॉस्टॉक, ठीक है. एल्गी और फंजाई का जहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, सिम्बायोसिस हो रही है, उसके एग्जाम्पल हैं नॉस्टॉक, ग्लियोकैप्सा, रिविलेरिया और द मेंबर्स ऑफ साइनोफाइसी एंड क्लोरेला. क्लोरेला, साइटोकोकस, क्लोरोकोकस, द मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी, ठीक है. साइनोफाइसी और क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल हैं सिम्बायोटिक एल्गी फाउंड एसोसिएशन विद फंजाई के. नेक्स्ट हम देखेंगे दिस सिम्बायोटिक एसोसिएशन कंसिस्टिंग ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज कॉल्ड लाइकेन. तो एल्गी और फंजाई के जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है दैट इज कॉल्ड लाइकेन. नॉस्टॉक में ऑल्सो एसोसिएटेड विद एंथोसिरोस एंड एनाबिना एसोसिएट्स विद द रूट्स ऑफ साइकस टू फॉर्म कोरोलाइड रूट. और भी जो एल्गीज हैं उनके एसोसिएशन देखे गए हैं, जैसे कि एंथोसिरोस के साथ नॉस्टॉक का एसोसिएशन है, एनाबिना का एसोसिएशन साइकस की कोरोलाइड रूट के साथ है. तो ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर आता है. सिम्बायोटिक एल्गी के एग्जाम्पल आपके नॉस्टॉक है और एनाबिना है, ठीक है, क्लोरेला है, साइटोकोकस है, ये सारे आपके क्या हैं, सिम्बायोटिक एल्गीज के एग्जाम्पल हैं. देखो बच्चों, जब आप क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं तो वहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एग्जाम्पल आपको अच्छे से लर्न करने हैं. थर्ड वन इज क्रायोफिटिक एल्गी. क्रायोफिटिक एल्गी का मीनिंग होता है कि आइसी या स्नो कंडीशन पे जो एल्गीज ग्रो करती हैं उनको क्रायोफिटिक एल्गी कहा जाता है. तो जो ये इस तरह की एल्गीज होती हैं ये स्नो कवर्ड माउंटेन्स को डिफरेंट कलर देती हैं, जिसके कारण वो माउंटेन बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, ठीक है, जैसे रेड माउंटेन कहते हैं या ग्रीन माउंटेन कहते हैं. तो ये सब उन एल्गी के पिगमेंटेशन के कारण होता है. तो इन्हीं एल्गीज को क्रायोफिटिक एल्गी कहा जाता है. द एल्पाइन एंड आर्कटिक माउंटेन बिकम रेड ड्यू टू ग्रोथ ऑफ द हिमेटोकोकस निवेलिस. देखो, हिमेटोकोकस निवेलिस के कारण जो एल्पाइन और आर्कटिक माउंटेन है वो रेड कलर के होते हैं, और यूरोप में ग्रीन स्नो जो होती है वो क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस के कारण होती है. देखो, क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस के कारण ग्रीन स्नो शो होती है, ठीक है, और हिमेटोकोकस निवेलिस के कारण रेड, जो एल्पाइन और आर्कटिक माउंटेन है वो रेड कलर शो करते हैं. इसी तरह से ब्लैक कलर जो होता है वो स्कैटिलिया निवेलिस के कारण और रेफिडोनिमा ब्रेवी रोस्ट्री के कारण ये ब्लैक कलर स्नो का शो होता है, जबकि आर्किक्लोनिमा नॉर्डेस्कियो डी के कारण ब्राउनिस पर्पल कलर जो है अपेयर होता है. तो इस तरह से क्रायोफिटिक एल्गीज जो हैं वो स्नो पे ग्रो करती हैं और स्नो को डिफरेंट डिफरेंट कलर देती हैं. फोर्थ वन इज थर्मोफाइट्स और थर्मल एल्गी. दिस ग्रुप ऑफ एल्गी अकर्स इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स वेयर नॉर्मल लाइफ इज नॉट पॉसिबल.
तो थर्मोफाइट्स कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं? हॉट स्प्रिंग्स पे प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ पर कि नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं होती। इतनी हॉट कंडीशन होती है कि नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पे लिव नहीं कर सकता, लेकिन इन एल्गीज के पास ऐसी कैपेसिटी होती है कि ये इतने हॉट टेम्परेचर पे 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे भी ग्रो कर लेती हैं। मैनी ब्लू ग्रीन्स, ऑसिलोटेरिया ब्रेविस और सिनेकोकोकस इलोंगेट्स हेट्रो हार्मोगोनियम स्पीसीज आर ग्रोन इन सच हॉट स्प्रिंग्स। ये एग्जाम्पल हैं थर्मोफाइट्स के, थर्मल एल्गीज के। तो ये क्या है, 50 से 70 डिग्री हॉट टेम्परेचर पे ग्रो करती हैं। फिफ्थ वन इज लीथोफाइट्स। लीथो मीन्स रॉक, स्टोन्स, ठीक है। तो इस तरह की एल्गी जो हैं वो स्टोन और रॉक की मॉइस्ट सरफेस पे ग्रो करती हैं। इनके बेस्ट एग्जाम्पल हैं नॉस्टॉक, ग्लियोकैप्सा, एंट्रोमॉर्फा, बट्रेकोस्पर्वम। दीज आर लीथोफाइट एल्गी, लीथोफिटिक एल्गी। सिक्स वन इज एपिफिटिक एल्गी, मीन्स अदर प्लांट्स इंक्लूडिंग अदर एल्गल मेंबर्स पे जो ग्रो कर रहे हैं, दीज एल्गीज आर कॉल्ड एपिफिटिक एल्गी। यानी कि जो अदर एल्गल मेंबर्स पे, दूसरी एल्गीज पे ग्रो कर जा रही हैं या फिर दूसरे प्लांट्स पे ग्रो कर रही हैं, सो दे आर कॉल्ड एपिफिटिक एल्गी। तो एपिफिटिक एल्गी में भी अब फर्दर क्लासिफिकेशन है इनका, देखिए एल्गी ऑन एल्गी। तो इसके एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि एल्गी के ऊपर एल्गी कैसे उगता है। जैसे पिटलोटा प्लूमोसा जो एल्गी है वो रोडाइमिनिया स्यूडो पालमेटा एल्गी पे ग्रो करती है, ठीक है। ये लैमिनेरिया हाइपरबोरियन पे ये एल्गीज ग्रो करती हैं। और ऐसे ही जो डायटम है वो उडोगोनियम और स्पायरोगायरा पे ग्रो करते हैं। तो एल्गी ऑन एल्गी इस तरह से एग्जांपल हो गया। एल्गी ऑन ब्रायोफाइट्स, किन किन ब्रायोफाइट पे एल्गीज ग्रो करती हैं? जैसे जो नॉस्टॉक, ऑसिलोटोरिया, डायटम है, ये एक्नेथीज पे ग्रो करते हैं, ये डिफरेंट ब्रायोफाइट्स पे ग्रो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एल्गी ऑन ब्रायोफाइट भी एपिफिटिक का एग्जांपल हो गया। एल्गी ऑन एंजियोस्पर्म, कुछ एल्गी जैसी हैं जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पे ग्रो करती हैं, जैसे कोकोनीज और एकेंथीज, ये सब क्या करती हैं, एपिफिटिकली ग्रो करती हैं लैमना ऑन एक्वेटिक एंजियोस्पर्म्स पे। एल्गा लाइक ट्रेंटिफोलिया ग्रोज ऑन द बार्क्स ऑफ डिफरेंट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स एंड इज वेरी कॉमन इन दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग में बहुत कॉमन एल्गी है जो कि बार्क्स ऑफ डिफरेंट एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पे ग्रो करती है। सेवन्थ वन इज एपिजोइक एल्गी। नेम से ही क्लैरिफाई हो रहा है, जोइक मीन्स एनिमल्स पे। तो ऐसी एल्गीज जो कि एनिमल्स जैसे फिश या स्नेल है इन पे ग्रो करती हैं, इनको एपिजोइक एल्गी कहा जाता है। एग्जाम्पल्स हैं स्टिग्लियो क्लोनियम, ये फिशेस के गिल्स पे प्रेजेंट रहती है, सो इट इज कॉल्ड एपिजोइक एल्गी। एंडोजोइक एल्गी दे ग्रो इन द टिश्यूज ऑफ एनिमल्स। देखो एपी मीन्स बाहर से, एंडो मीन्स अंदर से, ठीक है। तो जो एंडोजोइक एल्गीज हैं ये क्या करेंगी, टिश्यू ऑफ एनिमल पे ग्रो करती हैं। जैसे जू क्लोरेला स्पीसीज है वो हाइड्राविरिडिस की टिश्यूज पे प्रेजेंट रहती है। नाइन्थ वन इज पैरासिटिक एल्गी। सम एल्गी ग्रो पैरासिटिकली ऑन डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिफेल्यूरस जो एल्गी है वो एंजियोस्पर्म्स की लीव्स पे पैरासिटिकली ग्रो करती हैं, ठीक है। जैसे कि टी के प्लांट पे कैमिलिया साइनेंसिस होता है, टी है, कॉफी है, रोडोडेंड्रॉन है, मैग्नोलिया है, पेपर है, इन सभी पे क्या करती हैं ये जो सिफेल्यूरस एल्गी है ये पैरासिटिकली ग्रो करती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज सिफेल्यूरस विरिसेंस विच कॉजेज रेड रस्ट ऑफ टी। और क्या कर रही है, डिजीज कॉज कर रही है, ठीक है। काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि रेड रस्ट कहने से ही ये एक फंगल डिजीज के थ्रू की तरह इसको देखा जाता है, लेकिन रेड रस्ट ऑफ टी जो है वो एल्गी से डिजीज कॉज होती है। और कौन सी एल्गी से, सिफेल्यूरस से कॉज होती है। सेकेंड वन इसी का एग्जाम्पल है रोडोकाइट्रियम जो एल्गी है वो रैगवीट की लीव्स पे ग्रो करती है। थर्ड इसका एग्जाम्पल है साइफोन, ये जो है लीव्स ऑफ एरिसेरियम वल्गेरी पे ग्रो करती है। और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्रेटोकोलेक्स, ये जो है फाइलोफोरा थैलस पे ग्रो करती है। तो इस तरह से कई एल्गीज हैं जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पे ग्रो करती हैं। टेंथ इसका कैटेगरी है सेमोन। द एल्गी विच ग्रो इन सैंडी बीचेस आर कॉल्ड सेमोन। इसका एग्जाम्पल है वाउचेरिया और फॉर्मीडियम, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से आपके एल्गी की हैबिटेट हो गई, डिफरेंट हैबिटेट पे
एल्गी किस तरह से प्रेजेंट होती है, उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, ये अभी तक हमने डिस्कस करा है। अब हम एल्गी के कुछ सेलियंट फीचर्स देखते हैं और थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन और दे देती हूँ आपको मैं। देखिए, इसमें जो लीनियस थे वो मैंने आपको बताया कि 1754 में इन्होंने एल्गी टर्म को दिया था, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि स्टडी ऑफ एल्गी इज़ कॉल्ड फाइकोलॉजी, क्लियर, या एल्गोलॉजी इसको कहा जाता है। फादर ऑफ एल्गोलॉजी कहा जाता है F.E. Fritsch को। दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। फादर ऑफ एल्गोलॉजी F.E. Fritsch को कहा जाता है, और जो उनके स्टूडेंट थे M.O.P. Eilinger, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एल्गोलॉजी इन इंडिया। इंडिया के रिगार्डिंग एल्गी के फादर किनको कहा जाता है, M.O.P. Eilinger को कहा जाता है, और F.E. Fritsch को फादर ऑफ एल्गोलॉजी कहा जाता है। तो इस तरह से, क्योंकि जो फिट्स थे ये इतने ग्रेट साइंटिस्ट थे, इन्होंने एल्गी के फील्ड पे बहुत बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क करा था, इसलिए इनको फादर ऑफ फाइकोलॉजी या फादर ऑफ एल्गोलॉजी कहा जाता है। तो अब हम कुछ एल्गी के सेलियंट फीचर्स को डिस्कस करते हैं। एल्गी इंक्लूडेड अ ग्रुप ऑफ अबाउट 30,000 स्पीसीज विच आर जनरली एक्वेटिक। देखिए, एल्गी की बहुत सारी स्पीसीज कितनी क्या हैं, एक्वेटिक स्पीसीज हैं, जो कि फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों में प्रेजेंट रहती है। वो विद एग्जांपल हमने आपको पहले वो चीज़ डिस्कस करा दी है। देयर साइज वेरीज फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक फ्रॉम द फिलामेंटस फॉर्म। तो एल्गीज कई सारी ऐसी होती हैं जो कि नेकेड आइज से नहीं देखी जा सकती हैं, और कुछ एल्गीज काफ़ी बड़ी होती हैं जिनको हम नेकेड आइज से ईजीली देख सकते हैं। तो इनका साइज वेरी होता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म से फिलामेंटस फॉर्म तक। ऑल द मेम्बर्स ऑफ एल्गी आर क्लोरोफिलस नॉन वस्कुलर थैलोफाइट्स। तो हर एक एल्गी जो है वो क्लोरोफिलस होती है, क्लोरोफिल कंटेनिंग होती है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद से बना लेते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल, अ कैरोटीन एंड जेंथोफिल्स। एडिशनल पिगमेंट्स अकर इन स्पेसिफिक ग्रुप्स। तो ग्रुप के अकॉर्डिंग इन पे पिगमेंटेशन प्रेजेंट रहता है। एल्गीज में पिगमेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण इनके कलर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कुछ एल्गीज ग्रीन कलर की हैं, कुछ ब्राउन कलर की हैं, कुछ एल्गी रेड कलर की हैं। तो ये डिफरेंट कलर्स जो होते हैं, ये इनके पिगमेंट प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट के कारण ये डिफरेंट कलर इसमें शो होते हैं। म्यूसिलस प्रोटेक्ट्स एल्गी एल्गल थैलस फ्रॉम डेसिकेशन एंड फ्रॉम एपिफिटिक ग्रोथ। जी वस्कुलर एंड मैकेनिकल टिश्यूज आर एबसेंट इन एल्गल बॉडी। तो इसमें जो एल्गी के थैलस के बाहर से म्यूसिलस प्रेजेंट रहता है, ये एल्गी को डेसिकेट होने से बचाता है और एपिफिटिक ग्रोथ होने से भी इसको प्रोटेक्ट करता है। एल्गी के थैलस के अंदर वस्कुलर और मैकेनिकल टिश्यूज जो हैं एबसेंट रहते हैं। नेक्स्ट फीचर इसका है, वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर वेरी कॉमन। एसेक्सुअल स्पोर्स आर ऑफ टू टाइप्स, माइटोस्पोर्स एंड मियोस्पोर्स। तो इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कॉमन होता है, टू टाइप्स के स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, माइटोस्पोर और मियोस्पोर उनको कहा जाता है। ये एक्वेटिक हैबिटेट में ईजिली डिस्पर्स हो जाते हैं, अगर मोटाइल हैं तो एक्टिवली जो है वो मोटाइल जो होंगे वो डिस्पर्स हो जाएंगे, और पैसिवली बाय वाटर करेंट्स इफ नॉन मोटाइल। अगर नॉन मोटाइल हैं तो फिर ये वाटर करेंट के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर नॉन जैकेटेड। एल्गी प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ प्लांट है, तो इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनमें जैकेट प्रेजेंट नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ग्रोइंग सीजन जब एंड होने वाला होता है, इट मीन्स कि मेच्योरिटी पे इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जनरली जो है इनमें वैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है थैलोफाइट का, कि इसके अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज जो है वो एब्सेंट होती है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि थैलोफाइट्स के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज एब्सेंट रहती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी इन डिफरेंट ग्रुप्स। अब मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर तीन तरह का है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ओगैमी। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहता है। डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ साइकिल्स अगर, तो एल्गीज के डिफरेंट मेंबर्स में लाइफ साइकिल भी डिफरेंट होती है। जैसे किसी के अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगी, किसी मेंबर में डिप्लॉन्टिक होती है, और किसी के अंदर हैप्लो डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल प्रेजेंट रहता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा एल्गी के बारे में इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर हमने एल्गी के अकरेंस के बारे में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में और इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करा। आई होप कि इस लेक्चर के थ्रू आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।